नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस नाइट्रोजन पर्जिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी क्वालिटी की जो एचवीसी सिस्टम होती है, उस एचवीसी सिस्टम को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्रेजिंग होना बहुत जरूरी होता है। और अच्छी क्वालिटी की ब्रेजिंग को करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स में ब्रेजिंग करते वक्त में कॉपर ट्यूब जो होती है उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस जो है उसको बहाया जाता है और उस नाइट्रोजन गैस के बहाने से ब्रेजिंग की क्वालिटी अच्छी मिलती है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे नाइट्रोजन गैस से ब्रेजिंग की क्वालिटी अच्छी क्यों होती है और नाइट्रोजन बहाते वक्त में क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वो जब हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो लोहे के ऊपर एक काली परत जमा हो जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, लोहा जब हवा के साथ के कॉन्टैक्ट में आता है तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन लोहे के ऊपर रिएक्ट करता है और उसको लोहे को खाता है और लोहे के ऊपर क्या हो जाती है, एक परत जमा हो जाती है जिसको हम जंग कहते हैं। कॉपर के साथ में भी सेम चीज होती है। जो कॉपर के पाइप्स होते हैं या ट्यूब्स होती है वो जब हवा में रखते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो कॉपर के ऊपर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में कॉपर के ऊपर एक लेयर क्रिएट होता है जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अभी जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, वो अगर बाहर से जमा हो जाता है तो उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर ट्यूब के अंदर से जमा होता है और अंदर जब एक परत जमा होती है और एक पाउडर फॉर्म में होता है, ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर का होता है, और एक पाउडर क्या हो जाती है, जब हम सिस्टम चलाते हैं ना तो एक पाउडर बह के जाती है, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है जंग जैसा होता है वो जाके फिर आगे जो कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वॉल या कोई भी जो वॉल्स होते हैं उस वॉल पे जाके पाउडर फंस जाती है और सिस्टम को चोक कर देती है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो ऐसे वक्त में ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का और कॉपर ट्यूब का जो है संपर्क नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। और उस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉपर ट्यूब से नाइट्रोजन गैस जो है उसको छोड़ना पड़ता है। तो जब हम नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का और कॉपर ट्यूब का कॉन्टैक्ट नहीं होता और वो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है अंदर जमा नहीं होता, जिसके कारण कॉपर ट्यूब चोक नहीं होती। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नया कंप्रेसर लेके आते हैं ना, और कंप्रेसर में जो तीन लाइंस होती है, चार्जिंग लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है, सक्शन लाइन होती है, उसके ऊपर रबर के बुश होते हैं। जब आप प्लायर से उस रबर के बुश निकालते हैं ना तो अंदर से गैस बाहर निकल के आती है, तो वो जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस होती है। और जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर होते हैं, कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है, कंप्रेसर को बनाने के बाद में अंदर नाइट्रोजन गैस भरती है। क्यों नाइट्रोजन गैस भरती है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर भी लोखंड के या कॉपर के पार्ट्स होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन गैस उसके अंदर नहीं भरते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा हवा के साथ में और अंदर जाके जो लोहे के पार्ट्स है या कॉपर के पार्ट्स है उसमें जंग लग जाएगा, ओके, और उसके बाद भी कंप्रेसर जो है ठीक से काम नहीं करेगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर जब कंप्रेसर को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के ऊपर से रबर का बुश लगा के लाइन में हमारे पास में भेजते हैं और जब हम नया कंप्रेसर खोलते हैं और बुश निकालते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस यूज करने का रीजन क्या है, कि कंप्रेसर के अंदर कोई जंग ना लगे या कोई ऑक्साइड जमा ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन गैस उसमें यूज की जाती है। साथ ही में कुछ जो कॉपर ट्यूब के पाइप्स हम लोग नए लेके आते हैं तो उसके एंड भी अगर आप देखोगे तो उसको ढका होता है और कई बार उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो उसके एंड को ढकने का रीजन क्या है, एक तो रीजन है कि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी ना चली जाए अंदर, और सेकंड रीजन होता है कि अंदर हवा जाके कहीं ना कहीं अंदर से कॉपर ट्यूब जो है इसके ऊपर ऑक्साइड जमा ना हो और इसके लिए इसको कवर किया जाता है। और इसको खोलने के बाद में कई बार शायद उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती भी होगी, कई मैन्युफैक्चरर उसमें नहीं भी भरते, सिर्फ कैप लगा के भी बेचते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। तो कैप लगाने का रीजन क्या है, अंदर एयर जाके कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का और कॉपर ट्यूब का रिएक्शन होके कोई ऑक्साइड वगैरह इसमें जमा ना हो। तो सिमिलर क्या होता है, जब हम ब्रेजिंग करने जाते हैं ना, तो ब्रेजिंग करते तो क्या होता है, तो कॉपर ट्यूब को जोड़ते तो उस वक्त में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है ब्रेजिंग करने के टाइम में। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा तेजी से होती है, फास्ट होती है। तो ऐसे वक्त में समझो दो कॉपर ट्यूब को जोड़ रहे हैं और हम लोग ने ब्रेजिंग टॉर्च वहां पे लगाई, तो अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से क्या होगा, वहां पे ऑक्साइड फॉर्म होगा। कई बार ब्रेजिंग जो रेगुलर करते हैं उनको पता होगा कि ब्रेजिंग करते तो कॉपर ट्यूब साइड से काली हो जाती है। रीजन क्या है, हवा का ऑक्सीजन जो है ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है कॉपर ट्यूब के ऊपर और उसकी वजह से बाहर आपको काला नजर आता है। अगर बाहर से कॉपर ट्यूब काली हो रही है तो शायद अंदर से भी वो जो है काला परत जो है जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं वो जमा हो जाता है और वो आगे जाके सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। और इसके लिए जैसे कंप्रेसर में नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है या फिर कॉपर ट्यूब का जो नया रोल होता है उसके ट्यूबेंड को हम कवर करते हैं या कई बार उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो वैसा करने से क्या हो जाता है, अंदर कोई ऑक्साइड जमा नहीं होता। तो सिमिलर टू दैट, जब हम ब्रेजिंग करते हैं, जब वीआरबी सिस्टम्स होती है, सब डीएक्स सिस्टम है, पूरी कॉपर की ट्यूबिंग होती है और उसमें बहुत सारे ब्रेजिंग जॉइंट होते हैं, अगर हम हर ब्रेजिंग जॉइंट में थोड़ा थोड़ा अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड अंदर छोड़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर अंदर
जमा होते जाएगा तो पूरे सिस्टम में इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड अंदर होगा पूरे सिस्टम खत्म होने के बाद में कि वो आसानी से कुछ दिनों में पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। और जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी जो है, जो वीआरवी बनाती है, इंस्टॉल कराती है, वो नहीं चाहते कि ऐसा करने से मशीन बंद हो जाए, तो वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। और जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग करते वक्त में ही साथ ही में वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो फ्लो कराते हैं कॉपर ट्यूब के अंदर से। तो जो नाइट्रोजन गैस फ्लो कराते हैं तो अंदर का पूरा ऑक्सीजन जो है, एक साइड से नाइट्रोजन छोड़ा तो दूसरे साइड से पूरा एयर वगैरह बाहर निकल के जाती है, और उसके बाद में ब्रेजिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अंदर कोई ऑक्सीजन गैस है ही नहीं, तो जो है ऑक्सीजन है नहीं तो उसका रिएक्शन होगा ही नहीं कॉपर ट्यूब के ऊपर। और आप ब्रेजिंग करने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अंदर से कॉपर ट्यूब काफी क्लीन होती है। और इसके लिए ये जो पर्जिंग है, पर्जिंग हम जो है ब्रेजिंग करते वक्त में करते हैं। नाइट्रोजन जो पर्जिंग है वो करने का और एक रीजन क्या होता है, पहले जमाने में हम लोग R22 गैस यूज करते थे, मतलब HCFC गैस यूज करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम लोग जो है HFC गैस यूज कर रहे हैं, दैट इज 134A काइंड के गैस यूज कर रहे हैं। तो पहले जमाने में जो सिस्टम में ऑयल यूज होता था, लुब्रिकेशन ऑयल, वो मिनरल ऑयल यूज होता था, लेकिन आज की तारीख में हम लोग POE ऑयल होता है, दैट इज पॉलीओलिस्टर ऑयल हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो पॉलीओलिस्टर ऑयल या POE ऑयल होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ना उसमें ना जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है घुल जाता है, एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, उसके अंदर वो इजीली घुल जाता है। अब कॉपर ट्यूब के अंदर से कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन ऑयल जो घूमते रहते हैं, ओके, तो जब ये ऑयल चलता है और वहां पे अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड जॉइंट में है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड तेल में जाके घुल जाएगा, और ये तेल तो पूरे सिस्टम में घूमते रहेगा। जब हम सिस्टम चलाते हैं तो गैस के साथ में ऑयल भी जो है वो घूमते रहते हैं, तो ऑयल के साथ में ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये अलग अलग वॉल्स में या एक्सपांशन डिवाइस में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती है। और इसके लिए जो 134A के सिस्टम है या फिर जो भी सिस्टम है जिसमें पॉलीओलिस्टर ऑयल यूज किया जाता है, वहां पे आपको कंपलसरी नाइट्रोजन फ्लशिंग जो है या पर्जिंग जो है उसको करना जरूरी है ब्रेजिंग करते वक्त में। अब हम देखेंगे कि ये जो पर्जिंग है किस तरीके से की जाती है। तो नाइट्रोजन पर्जिंग करने के लिए जो ड्राई नाइट्रोजन का सिलेंडर होना चाहिए और उसमें कंपलसरी 2-स्टेज रेगुलेटर लगाना चाहिए। तो 2-स्टेज रेगुलेटर में क्या होता है, 2 गेजेस होते हैं, एक गेज सिलेंडर का प्रेशर बताता है और दूसरा गेज जो है जो गैस बाहर निकलती है उसका प्रेशर बताता है। और उसमें कंट्रोलर होता है, उसमें एक वॉल होता है जिससे कि हम लोग जो गैस बाहर निकलती है नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि कितना जो गैस है, कितने प्रेशर से गैस पाइप में से जानी चाहिए पर्जिंग करते वक्त में, तो उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। तो नॉर्मली 1.5 से 2 PSIG तक का प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं पाइप में जो पर्जिंग है पर्जिंग करते वक्त में। या फिर अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ गैस की बात करें तो 2 से 3 क्यूबिक फुट पर आवर इस रेट में हम लोग गैस को फ्लो करा सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, तो कई बार क्या करते हैं जो काम करने वाले वो 2-स्टेज रेगुलेटर को ऑन करते हैं, उसका वॉल खोलते हैं और पाइप का जो एंड होता है जहां से नाइट्रोजन को बाहर छोड़ना है वहां पे उल्टा हाथ रखते हैं, मतलब समझो ये पाइप है ना, तो ये क्या कर देंगे ऐसा हाथ रख के फील करते हैं कि यहाँ पे हवा का प्रेशर आ रहा है क्या। अगर नाइट्रोजन का प्रेशर आ रहा है इसका मतलब नाइट्रोजन पाइप में से जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम पर्जिंग करेंगे तो पाइप में से नाइट्रोजन का फ्लो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर फ्लो होगा तभी क्या होगा वहां से ऑक्सीजन हटेगी। तो कोई हाथ रखकर भी उसको सेंस कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है आप 1.5 से 2 PSIG का प्रेशर वहां पे छोड़ सकते हैं। या फिर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो 2 से 3 क्यूबिक फुट पर आवर इस रेट से हम नाइट्रोजन को सिस्टम से बाहर सकते हैं ब्रेजिंग करते वक्त में। अब हम देखेंगे जो पर्जिंग करते हैं नाइट्रोजन पर्जिंग ब्रेजिंग करते वक्त में, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम पाइप को ब्रेजिंग कर रहे हैं तो ब्रेजिंग करने से पहले नाइट्रोजन का फ्लो चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ने ब्रेजिंग करना चालू कर दिया और बाद में नाइट्रोजन का फ्लो स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पहला नाइट्रोजन का फ्लो जाना चाहिए। जब नाइट्रोजन अंदर से जाएगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा और उसके बाद में ब्रेजिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और जब आप ब्रेजिंग स्टॉप करते हो, मतलब समझो वीआरवी का मोस्टली पाइपिंग चल रहा है और आपने लास्ट ब्रेजिंग कर दिया, तो ब्रेजिंग करने के बाद में, ब्रेजिंग खत्म होने के बाद में आपको नाइट्रोजन का फ्लो बंद करना है, क्योंकि ब्रेजिंग करने के बाद में भी कॉपर ट्यूब गर्म होती है। अगर आपने ब्रेजिंग कर रहे हो या ब्रेजिंग करते वक्त में लास्ट ब्रेजिंग चल रहा है और उस वक्त में अगर नाइट्रोजन का फ्लो बंद कर दिया तो ब्रेजिंग करने के बाद में भी वो कॉपर ट्यूब गर्म होती है, और उस वक्त में भी अगर आपने नाइट्रोजन का फ्लो बंद कर दिया तो पाइप में ऑक्सीजन चला जाएगा और बाद में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है या क्यूप्रिक ऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो सकता है। तो पहला रूल क्या है, ब्रेजिंग करने से पहले नाइट्रोजन का फ्लो चालू करो और ब्रेजिंग खत्म होने के बाद में नाइट्रोजन का फ्लो बंद करो। ये जो हम लोग पर्जिंग करेंगे तो दूसरा एक आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि 1.5 से 2 PSIG का ही नाइट्रोजन का प्रेशर होना चाहिए, मतलब समझो एक कॉपर ट्यूब है और उसमें से नाइट्रोजन गैस जा रही है। अगर आपने प्रेशर ज्यादा रखा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा, ब्रेजिंग मटेरियल जो है यहाँ पे फिलअप होना चाहिए। जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो
मटेरियल ऐसे अंदर पेनिट्रेट करता है, मतलब कॉपर ट्यूब के यहाँ पे अंदर जाके बैठ जाता है। अगर नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा है तो ये जो नाइट्रोजन है ना, हाई प्रेशर वाला नाइट्रोजन, ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है। ओके, यहाँ पे गैप है तो नाइट्रोजन तो गैस है ना, तो उसको जगह मिलेगी तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर नाइट्रोजन हाई प्रेशर का है तब ही ऐसा होगा, लो प्रेशर का नाइट्रोजन ऐसी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन प्रेशर अगर ज्यादा है तो नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और नाइट्रोजन अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ब्रेजिंग मटेरियल जो है ना वो जितना अंदर तक जाना चाहिए, जितना उसका पेनिट्रेशन होना चाहिए, उतना पेनिट्रेशन नहीं होगा, और ये जो ब्रेजिंग जॉइंट है वहां पे वीक होंगे, और ब्रेजिंग बाद में जाके वो लीक हो सकता है, वहां से गैस लीक हो सकती है। इसके लिए जो भी रिकमेंडेड है 1.5 PSIG या फिर 2 PSIG, ओके, या फिर जो भी डिजाइन इंजीनियर डिसाइड करता है साइट के ऊपर, आपके मैन्युफैक्चरर आपको बताते हैं कि पर्जिंग के वक्त में क्या क्या प्रेशर होना चाहिए। कई मैन्युफैक्चरर 7, 8, 10 PSIG भी बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन आपको फॉलो करना है, और जो भी बोलता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उतना प्रेशर यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैंने आपको 1.5 से 2 PSIG बोला है, लेकिन मैन्युफैक्चरर अगर ज्यादा बोल रहे प्रेशर 7-8 PSI, तो जितना वो बोल रहे उतना PSIG आपको प्रेशर मेंटेन करना है। उससे ज्यादा अगर आप करते हो, मैन्युफैक्चरर ने या डिजाइन इंजीनियर ने जो बोला उससे ज्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो शायद गैस यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, और ब्रेजिंग मटेरियल जो होता है वो तो गर्म करने के बाद में हल्का हो जाता है और वो उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गैस उसको अंदर तक जाने नहीं देता और ब्रेजिंग जॉइंट वहां पे वीक हो जाते हैं। आगे आपको जो नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं तो उस पर्जिंग में आपको फ्लो रेट का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे जो फ्लो रेट बोला दैट इज 2-3 क्यूबिक जो होता है क्यूबिक फीट पर आवर के हिसाब से फ्लो रेट रखना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन जो है यहाँ से फ्लो कराओगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2-3 जो क्यूबिक फुट बोला पर आवर, उससे ज्यादा फ्लो कराओगे तो क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाइप में से पास होगा। जब नाइट्रोजन पास होता है ना तो नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो आप हीट अप्लाई कर रहे हो ब्रेजिंग करते हो तो ये जो जॉइंट है जॉइंट में हम हीट देते हैं, ओके, तो ये जो हीट है उसको कैरी करेगा नाइट्रोजन। अगर ज्यादा जाएगा तो वो क्या करेगा, जाते जाते में अपने हीट कैरी करेगा, तो यहाँ पे जितना हीटिंग होना चाहिए उतनी हीट मिलती नहीं है, और अगर हीट नहीं मिलेगी तो कॉपर ट्यूब बाहर से तो गर्म होगी लेकिन अंदर से जितनी गर्म होनी चाहिए उतनी गर्म नहीं होगी, तो ब्रेजिंग जॉइंट यहाँ पे जो है वीक होगा या फिर उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो जो भी रेकमेंड किया है 2-3 जो क्यूबिक फुट पर आवर बोला है, तो उसी रेट से नाइट्रोजन अगर फ्लो करेगा तो हीट को कैरी नहीं करेगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन जा रहा है तो कई बार हम सिलेंडर से खोलते हैं तो वो ठंडा होता है नाइट्रोजन, और यहाँ से पास करेंगे तो वो जॉइंट को शायद ठंडा कर सकता है, और जॉइंट को शायद ठंडा करेगा तो प्रॉपर हीटिंग नहीं होगी और अंदर से इतनी मजबूत जॉइंट नहीं बनेगा, और उसकी इफिशियंसी जो होती है जॉइंट की कम होकर वहां पे फ्यूचर में जाके लीक होने के चांसेस होते हैं, और जो भी सिस्टम है सिस्टम की पूरी गैस वहां से लीक हो सकती है। इसके लिए फ्लो रेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना फ्लो रेट इसका होना चाहिए। इसके लिए भी जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है उसको पहले फॉलो करो, या डिजाइन इंजीनियर जो साइट पे होता है जो भी रेकमेंड करता है उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, फ्लो रेट रखना होता है। अदरवाइज मैंने तो आपको बताया 2-3 क्यूबिक फुट पर आवर के हिसाब से नाइट्रोजन यहाँ पे फ्लो होना चाहिए। ये जो नाइट्रोजन का प्रेशर मैंने जैसे बताया 1.5 से 2 PSIG, या फिर फ्लो रेट बताया 2-3 क्यूबिक फुट जो पर आवर, उसको क्या करना होता है आपको, मतलब आपकी साइट एकदम बड़ी और आपको ये बार बार अगर आपको करना पड़ रहा है ब्रेजिंग, और आपको अगर ऐसा डाउट लग रहा है कि ये शायद प्रेशर सही नहीं है, फ्लो रेट सही नहीं है, तो पहले क्या करना होता है, जो भी प्रेशर है उसको सेट करना होता है। जैसे आपने 2 PSIG का प्रेशर सेट कर दिया, फ्लो रेट 2 क्यूबिक फुट पर आवर के हिसाब से सेट किया, तो वो सेट करके आपको ना कुछ ऐसे जॉब बनाने, टेस्ट जॉब, मतलब कॉपर ट्यूब लेके उसको उस फ्लो रेट का नाइट्रोजन छोड़ना और उसको ब्रेजिंग करना है, ओके। ब्रेजिंग करने के बाद क्या करो, आप उसको कट करके देखो, कट करने के बाद में आप उसको कोई एक्सपर्ट होता है ना ब्रेजिंग का उसको दिखा के चेक करो अंदर से कि वेदर वो ब्रेजिंग प्रॉपर हुआ है क्या, मतलब उसका पेनिट्रेशन जो होता है ब्रेजिंग मटेरियल का, वो पेनिट्रेशन प्रॉपर हुआ है क्या, अंदर ऑक्साइड जमा है क्या, ये सब आपको क्या करना होता है, चेक करना पड़ता है। तो आपको कुछ जॉब जो है जिसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं उसको टेस्ट करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ज्यादा क्यूबिक ऑक्साइड जमा हो रहा है, तो उस वक्त उस केस में आप क्या कर सकते हो, फिर उसका प्रेशर बढ़ा सकते हो, या फिर नाइट्रोजन का फ्लो रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जो 2 PSIG वहां पे 3 PSIG कर सकते हो, जो 2 क्यूबिक फुट पर आवर है उसको 3 क्यूबिक फुट पर आवर करके फिर से क्या करना होता है, आपको ब्रेजिंग करना होता है और फिर से ब्रेजिंग जॉइंट को इंस्पेक्ट करना होता है। कट करके इंस्पेक्ट करो ताकि अंदर पता चले कि क्यूबिक ऑक्साइड जमा है क्या, ब्रेजिंग का पेनिट्रेशन सही हुआ है क्या, और जब एक्सपर्ट चेक करेंगे और आपको बोलेंगे नहीं ये सब प्रेशर सही है और ये फ्लो रेट सही है, तब उस प्रेशर और फ्लो रेट को आपको क्या करना होगा, सेट करके बाद में आगे का ब्रेजिंग करना है। लेकिन बेटर होगा कि अगर बड़ी साइट है तो पहला कुछ बेंच के ऊपर कुछ टेस्टिंग करो, और टेस्टिंग करके सेट कर लो एक बार प्रेशर क्या होना चाहिए, फ्लो रेट क्या होना चाहिए, जिस प्रेशर और फ्लो रेट में ब्रेजिंग भी मजबूत हो रही है, ब्रेजिंग का पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है मटेरियल का, और क्यूबिक ऑक्साइड बिल्कुल भी जमा नहीं हो रहा है,
उस फ्लो रेट को और उस प्रेशर को स्टैंडर्ड मान के फिर आगे आपको साइट पे काम कंटिन्यू करना है।